A very very good morning to each and everyone who are watching this video. तो इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि अगस्त 7 अगस्त को मासिक परीक्षा होने वाली है, फिर से गणित की 1 से 12 तक की. तो उसके लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ. तो आप मुझे अपना 1 मिनट देंगे तो मैं अपने 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा. तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जैसे पिछली बार हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो 3 सेक्शंस में थे, लेकिन इस बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर सिर्फ 2 सेक्शंस में है. इसमें तीसरा वाला जो अभिभावक वाला सेक्शन है वो नहीं है. तो सबसे पहले वाला सेक्शन जैसे हमारे पास जो बेसिक डिटेल्स का होता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो ये है. तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब आपको अपने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि क्लास 1 से लेके 5 तक आपका जो स्कूल का जो नाम है, स्कूल का नाम आपको जैसे कि यहाँ आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमने लिखा है GPS खेड़ा या G.P.S खेड़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखना. आपने डायरेक्ट अपना स्कूल का नाम लिखना है, आपका जो भी है, आपका फॉर एग्जांपल भोगपुर है या खिरसू है या कोट है, डायरेक्ट आपको वही लिख देना है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि सारे स्कूल हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ही हैं. तो आपको वो सारे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेंगे तो मैं आपकी जो क्वेरी होगी उसको सेटिस्फाई कर दूंगा. दूसरी आपको चीज ख्याल कर रखनी है कि इस बार जितनी भी एंट्रीज आपको करनी है वो सारे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करनी है, कैपिटल लेटर्स में करनी है. ये आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, क्योंकि पिछली बारी हमको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस डेटा को सॉर्ट करने में और उस डेटा को क्लीनिंग करने में. तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा इस काम को आगे करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना. दूसरा, आप जो हायर स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं कक्षा 6 से 12 तक, वो अपने स्कूल का नाम देखिए कैसे लिखेंगे. कहीं भी डॉट नहीं लगाएंगे, कहीं भी गैप नहीं करेंगे. जैसे अगर आपको GIC खिरसू है तो डायरेक्ट GIC खिरसू लिख देंगे, GIC एक साथ लिख देंगे स्पेस और अपने स्कूल का नाम लिख देंगे. कहीं भी आप डॉट नहीं लगाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे. जैसे नीचे के जो हमने सेक्शन हैं U.P.S या इंटर कॉलेज पौड़ी, ऐसा कुछ नहीं लिखना है. आपने सीधे अपने GIC GHSS UPS मतलब जैसे भी आपका स्कूल है वो आपको डायरेक्ट लिख देना है. बाकी जितनी भी एंट्रीज आपको कैपिटल लेटर्स में करनी है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ये आप अपने बच्चों को थोड़ा बता देंगे तो हमारे लिए काफी सहूलियत रहेगी. अब देखिए ये जो सेक्शन आ गए हैं, आप देखिए छात्र छात्रा का नाम है और माता का नाम है जिसको अंग्रेजी के बड़े लेटर्स में लिखना है. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अनुज, सोनिया, उज्ज्वल, राजेश, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं करेक्ट माने जाएंगे. जो नीचे के जो ऑप्शन है जिसमें कहीं आप कुछ कैपिटल लिख रहे होंगे या स्मॉल लिख रहे होंगे बच्चे, तो वो उसको इनकरेक्ट माना जाएगा. तो ये भी थोड़ा आप आगे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे बच्चों को. अब देखिए इसके बाद जब हमारा पहला वाला सेक्शन फिल हो जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट बटन होगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन आप क्लिक करेंगे तो दूसरे सेक्शन में पहुंचेंगे जहां पर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे. मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल सेम जो यहाँ पर एंट्रीज है उन्हीं एंट्रीज के साथ. तो हमारे जो मैं आपको प्रैक्टिस क्विज यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ उसमें हमारे पास GK के 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब रियल टाइम में जब क्वेश्चन पेपर होगा तो वहां पर हमारे पास 10 ही क्वेश्चन होंगे. ये प्रैक्टिस के लिए है तो इसमें हमने 15 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसे आप कितनी भी बार पढ़ सकते हैं. इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आपका पहली बार माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मार्क्स तो है नहीं. तो जैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर का जो दूसरे सेक्शन का जो पार्ट दूसरे सेक्शन का पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करेंगे और सबमिट बटन प्रेस करेंगे, तो सबमिट बटन प्रेस करने के बाद जैसे आपके पास आपने पहले भी देखा होगा और इस बार भी ये ऑप्शन आएंगे. देखिए आपके पास व्यू स्कोर आएगा, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आएगा. जैसे आप व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर दिखाई देगा. अगर आपको उसी फोन से फिर से अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है किसी दूसरे बच्चे को तो आप वहीं से बैक कर सकते हैं उसे, और अगर नहीं करना है तो आप अपना मोबाइल फोन बंद करके अपने कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं अपने फोन में. या अगर आप स्कोर नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट दूसरा रिस्पॉन्स आप देना चाहते हैं, तो आप सबमिट अनदर रिस्पॉन्स में भी क्लिक कर सकते हैं. तो इतना ही मुझे आपसे कहना था. तो आप अपने बच्चों को ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे दें जिससे कि हमको रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई ज्यादा परेशानी न हो और जल्दी से जल्दी आप तक हम रिजल्ट को उपलब्ध करवा सकें. ये लिंक भी मैं आपके साथ यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ. आप चाहे तो इसे डायरेक्ट अपने क्रोम में जो आपका URL बॉक्स होता है, ये एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं. और वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं से आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये पहुंच जाएगा. तो आप इस लिंक से अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये लिंक 6 तारीख तक खुला रहेगा रात 8 बजे तक. तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं अपने बच्चों को. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.